के सफाई कर्मियों ने वैभव सिन्हा के नेतृत्व में 18 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार को प्रदर्शन किया, जिसमें वेतन भुगतान एवं कई अन्य मांगों को रखा गया। मांगों को अविलंब पूरा कराने को लेकर कर्मियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। इसके समर्थन में निगम मुख्यालय के समक्ष सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी कर्मियों ने प्रदर्शन किया और 18 सूत्री मांग पत्र नगर आयुक्त को सौंपकर धरने पर बैठ गए। वहीं वैभव सिन्हा ने कहा कि निगम कर्मियों की मांगों को लेकर कई बार आग्रह करने के बावजूद निगम प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि ट्रेजरी कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए पेमेंट में विलंब हुआ है। देखिए, पिछले 2.5-3 महीनों से हम अपनी 15 सूत्री मांगों को नगर निगम प्रशासन को, नगर आयुक्त, पूर्व नगर आयुक्त महोदय को, मजदूरों की जो 15 सूत्री मांगे थे वो हमने उपलब्ध कराई थी और मांगे रखी थी मजदूरों की। कोई भी ऐसी मांगे नहीं है जो गैर वाजिब है, सब वेतन संबंधित और जो सुविधाएं संबंधित मांगे हैं उस संबंधित उन्होंने ज्ञापन दिया था। लेकिन 2.5-3 महीनों से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी तरह का कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुआ। आज जो स्थायी कर्मचारी हैं उन्हें 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जो DA है उसका भुगतान नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा पूर्ण महापौर द्वारा घोषणा की गई थी कोरोना काल में 2,000 रुपये का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा प्रतिमा, उसका भुगतान नहीं हुआ। पिछले दिनों उपायुक्त महोदय ने ट्वीट किया था कि सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मियों को 30% बढ़ाकर वेतन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो आदेश है, सरकार की जो योजना है, उससे क्रियान्वयन में नहीं लाया जा रहा है, मजदूरों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो आज सभी मजदूरों ने आज अपने कार्यालय में अपने वेतन की मांग को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर कार्य बहिष्कार किए हैं, क्योंकि वो अपने कार्यालय में अपने वेतन की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। किसी तरह की कोई अवरोध नहीं पैदा किया जा रहा है। अभी वार्ता हुई? जी, वार्ता हुई है। इनके तरफ से, नगर आयुक्त महोदय की तरफ से सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा हौसला टूटता जा रहा है, मजदूरों का हौसला टूटता जा रहा है, क्योंकि आश्वासन पिछले 2-3 महीनों से लगातार मिलता ही आ रहा है और आश्वासन ही मिलता है, रोटी नहीं मिलती है। कुछ समय पहले सफाई कर्मियों ने आज कार्य बहिष्कार कर दिया है, 2 माह का बकाया वेतन कह रहे हैं कि नहीं मिला है। इसके अलावा कई अन्य आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, तो जो प्रतिनिधिमंडल अभी मिला है आपसे, क्या कुछ कहा है उन लोगों ने और आप लोगों की तरफ से क्या आश्वासन मिला दिया गया है? 2 महीने का वेतन नहीं था इन लोग का, 2 महीना जून जुलाई को इनको भुगतान हुआ नहीं है। जून का इन लोग का वेतन चला गया ट्रेजरी में। अच्छा। और ट्रेजरी अफसर थोड़ा सा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ, तो इनको बता दिया कि आपका 2 माह का वेतन चला गया। इसके अलावा इनकी एक और बात है कि कोरोना संक्रमण काल में सभी जगहों पर जिला प्रशासन हो चाहे नगर पर निगम प्रशासन ने कहा था कि आपको वेतनमान के अलावा एरियर भी मिलेगा और कुछ अलग से पारितोषित भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। सुरक्षा किट जो चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ये तो जानकारी में नहीं है मेरी, क्या घोषणा हुआ था, क्या घोषणाएं हुई थी। अगर घोषणाएं हुई है और संचिका में उपलब्ध है तो हम लोग उसको पूरा करें। बिल्कुल, ग्लव्स और मास्क नहीं मिलने का भी उन लोगों ने आरोप लगाया है। हम देख लेते हैं, करा दिया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा विशेष। मजदूरों से क्या अपील करेंगे? मजदूर हमारे सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर अच्छा, धनबाद शहर की देखने ही से पता चलता है कि सफाई काफ़ी अच्छे ढंग से हो रही है। और मजदूर हमारा नगर निगम का एक रीढ़ है, जो थोड़ी सी है तो होती रहती है, अभी जाके फिर से वो काम पे लग जाएंगे। हम लोग इसलिए बहिष्कार किए हैं कि हम लोग का 2 महीना का वेतन और DA इसका भुगतान नहीं हो रहा है। और बात रही कि जो पहले जो साहब आए हुए थे, जो चले गए यहाँ से ट्रांसफ़र होके, वो हम लोग को 2 साल से हम लोग को ठग रहे थे कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, वो तो नहीं दिए। अभी जो नया नगर आयुक्त आए हैं तो अभी तो ये नहीं है, लेकिन इनको भी एक बार जानकारी देना है। तो इस बीच में हमारे जो यूनियन है अंजनी सिंह जी, वो जाके भेंट मुलाकात किए, पर्चे दिए। आज हम लोग भूख से छटपटा के तंग आके आज हम लोग कार्य भविष्य किए हैं कि हम लोग कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा। कोरोना काल में पेमेंट से बढ़ाकर वेतन देने की बात कही गई थी क्या? हाँ, कही गई थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला। आना कोई जांच हुआ, आना कोई ग्लव्स मिला, ना मॉक्स मिला, आना कोरोना क्वारंटाइन में जब हम लोग ड्यूटी करते हैं तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। काम हम लोग अपना ईमानदारी से करते हैं।
और क्या कि बीच में मान के चलिए कि मेरा परेशानी पड़ गया, हमको दो दिन की छुट्टी चाहिए, कार्यपालक अधिकारी के पास हम लोग लेटर लेके जाते हैं कि सर हमको छुट्टी चाहिए दो दिन का, तो बोलते हैं यहाँ से भागो, चपरासी को बुला के बोलते हैं इसको निकालो जी, हम छुट्टी नहीं देंगे, ये लोग सब झूठ बोल के छुट्टी लेता है, जबकि ये मेरा सरकारी छुट्टी है, हमको सरकार 18 दिन छुट्टी दिया है, तो इनको खाली साइन करने में क्या दिक्कत है। यही सब लेके ये सब मांग लेके हम लोग बैठे हुए हैं, और का भूख से भी हम लोग, शहर की साफ सफाई बंद है एकदम ठप है।